कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पूरा देश इन दिनों संपूर्ण लॉकडाउन और सीलिंग की वजह से अपने घरों में कैद है। बावजूद इसके कोरोना वायरस का कहर नहीं रुक रहा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6400 से ज्यादा हो गई, जबकि 199 लोग अपनी जान अभी तक गंवा बैठे हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 51 नए केसेस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिल्ली में 720 पर हो गई। इसमें से 430 लोग तो मरकज से जुड़े हैं। असम में भी कोरोना से पहली मौत हो गई। सिलचर मेडिकल कॉलेज में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अपना दम तोड़ दिया, जो कि सऊदी अरब से लौटा था। असम में कोरोना के कारण यह मौत का पहला मामला है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना के करीब 700 नए मामले सामने आए और अभी तक 504 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, लगातार कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। असम में भी पहली मौत हो गई। किस प्रकार से स्थिति को नियंत्रण में किए जाने की यहाँ पर योजना और रणनीति बनाई जा रही है? अब जी बिल्कुल, 6412 मामले हो गए हैं देश भर में। हालांकि काफी लोग, 503 लोग इसमें से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों में, और वहां पर घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे फायदा ये हो रहा है कि जो लोग पहले से जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है और जो लोग अपने घरों में नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, अब वो मामले सामने आ चुके हैं। जैसे 6000 घरों में कल निजामुद्दीन के इलाके में दिल्ली में स्क्रीनिंग की गई, जिसमें एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर जो लोग क्वारंटाइन किए गए थे उनमें से स्क्रीनिंग के बाद अब मामले सामने आए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। इस तरीके से ये रणनीति पे काम की जा रही है, हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, पीपी जो की केंद्र सरकार की ओर से हर स्टेट में मुहैया कराए जा रहे हैं, रैपिड किट दी जा रही है, उसके माध्यम से टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, मरीज जिनको कोरोना है, जो संभावित लोग हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, और जितने उतने ही ज्यादा लोग सामने आएंगे। 17वां दिन है लॉकडाउन का, बावजूद इसका नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार अपील की जा रही है और डेली बेसिस पे सीएम जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं मीडिया में आकर के, और क्या कुछ नए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। जी प्रीति, एक महत्वपूर्ण बात इसमें, इस चीज में ये निकल कर आई कि जितने भी हॉटस्पॉट्स अब यहाँ पर बन चुके हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी और दिल्ली से सटे हुए जैसे नोएडा और अन्य इलाकों में अब हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पिछले दिनों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला, कहा जा रहा है कि जो टेस्ट किट्स हैं वो उनके नए जो उसके जो जल्दी जल्दी जिस प्रकार से यहाँ पर टेस्ट होते जा रहे हैं उसकी वजह से ये लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। 430 लोग मरकज के बताए जा रहे हैं। प्रीत, बड़ी संख्या है ये? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या है। दिल्ली में लगभग 720 मामले हैं, जिनमें से 403 मरकज के हैं। कल 70 लोग पॉजिटिव आए हैं दिल्ली के अंदर। ऐसे में जो रैपिड किट में 1 लाख रैपिड किट की बात की जा रही थी, जिनमें पर डे के हिसाब से 3400 रैपिड किट केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में दी जा रही है। हर राज्य में इस तरीके से रैपिड किट दी जा रही है, जिसके माध्यम से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। पहली जो स्कैनिंग है या टेस्ट जो है, जो क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं, जिन घरों को क्वारंटाइन किया गया है, जो हॉटस्पॉट बनाए हैं, वहां के लोगों को ज्यादा किया जा रहा है जी, संक्रमण के चांसेस उन लोगों के ज्यादा है जी। ऐसे में जो आंकड़ा है ये आने वाले 2 हफ्तों में और ज्यादा इसमें इजाफा होने जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कहा जा रहा है कि पर डे करीबन 3000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, 3 से 4 हजार। इसमें जो ये संख्या है पॉजिटिव केसेस की, वो लगातार बढ़ती जाएगी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत। आपको पूरे देश भर से हम कोरोना की ताजा अपडेट दे रहे हैं। 6400 का आंकड़ा पार कर चुकी है पूरे देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या, 199 लोगों की मौत भी हो गई इस संक्रमण के चलते।